नमस्कार साथियों, इंटरव्यू से जुड़े प्रोग्राम में दो तीन एपिसोड्स के बाद हमारे पास जो प्रश्न सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से आए उसमें एक प्रश्न ये था कि अगर आप पहले से इंजीनियर हैं या पहले से डॉक्टर हैं तो अब आप आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं। तो आज का सवाल यही है कि वाई आईएएस आफ्टर बीटेक हो सकता है, आफ्टर सीए हो सकता है, आफ्टर एमबीबीएस या एमएस या एमडी हो सकता है, ऐसे बीटेक के साथ एमटेक हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने एमबीए किया हो तो आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में यदि आप सफल रहे हैं और वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल सकती थी या आपने अच्छी नौकरी की भी है तो वो सब छोड़ के आप इधर क्यों आना चाहते हैं। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने बीटेक किया ही है, एमटेक किया ही है और अगर आपको प्राइवेट सर्विस में अच्छा नहीं लगता है तो आप आईईएस में जा सकते थे, आप आईईएस में क्यों नहीं गए। अगर आपने एमबीबीएस किया, एमएस किया, एमडी किया है तो आप सरकारी नौकरी में मेडिकल साइड में भी जा सकते थे, जिसको आप हेल्थ सर्विस तो हमारे पास नहीं है, मेडिकल सर्विस तो भारत सरकार की ओर से भी ऐसे नहीं है, लेकिन हर स्टेट की तो है ही, तो अपने स्टेट की मेडिकल सर्विस में या हेल्थ सर्विस में आप क्यों नहीं चले गए। इस तरह के सवाल और इसी से जुड़े हुए कुछ तनाव जो विद्यार्थी को इंटरव्यू के दौरान होते हैं। तो कमेंट्स में हमने पाया कि इस सवाल को लेकर सबसे ज़्यादा तनाव विद्यार्थियों में है, तो आज हमने तय किया कि इसी सवाल पर एक वीडियो तैयार करें। इस सवाल को ठीक से समझने के लिए आप इस सवाल को तीन चार भागों में बांट लीजिए ताकि आपके पास इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब हो। जब बात निकलेगी तो सवाल पे सवाल निकलेंगे। एक सवाल ये निकल सकता है कि अगर आपको कंटिन्यू करना ही नहीं था तो आपने इस फील्ड को ज्वाइन ही क्यों किया, व्हाई डिड यू ज्वाइन, कौन सी फील्ड जो आप छोड़ के आ रहे हैं, जैसे कि आपने बीटेक क्यों ज्वाइन किया या बीई क्यों ज्वाइन किया या एमबीबीएस क्यों ज्वाइन किया। जब छोड़ना ही था तो ज्वाइन ही नहीं करना था, सरकार का इतना खर्चा आपके ऊपर हुआ तो क्यों आपने ज्वाइन किया था। तो पहला सवाल देखेंगे कि आपने वो फील्ड क्यों ज्वाइन की थी। दूसरा सवाल देखेंगे कि अगर ज्वाइन की थी तो छोड़ क्यों रहे हैं और सिविल सेवाओं में क्या आना चाहते हैं। तो दूसरा सवाल यही है, वाई आई एस नाउ, और इसका दूसरा मतलब वाई नॉट इंजीनियरिंग और मेडिकल नाउ, अब क्यों नहीं करना चाह रहे जब पहले आपने सोचा था। तो तीसरा सवाल हो सकता है कि आप जिस फील्ड से आए हैं उस फील्ड से आपके आने से सिविल सेवाओं में हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या उस फील्ड के व्यक्ति को चुनने से हमें कोई फायदे हैं, अगर हैं तो बताइए वरना हम आपको क्यों चुने। और चौथा सवाल हो सकता है कि आपको चुनने में हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे क्या नुकसान हो सकते हैं, वो अपनी ओर से बताएंगे। जैसे वो कहेंगे कि आप पर भारत सरकार ने इतना सारा पैसा खर्च किया है तो फिर आप उसी फील्ड में काम कीजिए। दूसरा कह सकते हैं कि वहाँ भी आपने एक आदमी की नौकरी खा ली, अब यहाँ भी आप एक व्यक्ति की नौकरी खा जाएंगे तो क्यों इतना नुकसान कर रहे हैं देश को, देश में पहले ही बेरोजगारी ज़्यादा है तो आपकी इस कोशिश की वजह से, इस हरकत की वजह से एक व्यक्ति बेरोजगार रह जाएगा, इस पर आपका क्या जवाब है। ये तीन चार तरह के सवाल बनते हैं और इन सवालों को हम बारी बारी लेंगे और समझेंगे कि इस सवाल में आपका क्या जवाब होना चाहिए। पहली बात, आपको इस सवाल में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सीए हैं, अगर आप एमबीए हैं, तो इसका एक बेसिक मतलब है कि आप पढ़ने लिखने में एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। 12वीं क्लास के बाद आप अपने स्कूल में आम तौर पर बाकी लोगों से बेहतर थे, इसलिए आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या सीए बने। रेयरली ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ने में हो उसके बाद भी ह्यूमैनिटीज़ में ही रहने का फैसला करे, क्योंकि भारतीय समाज आम तौर पर बच्चों को इस माइंडसेट का बना देता है कि यदि वो पढ़ने में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसे करियर की ओर देखें। तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि जो विद्यार्थी अच्छे थे वो इन फील्ड्स में गए होंगे। आपकी अच्छाई आपके सिविल सेवक बनने में आड़े आ जाए ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है, बहुत ही अनरीजनेबल बात है। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रश्न में डरिए मत एकदम। आप बहुत अच्छे से इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं और जवाब दे के अपनी बात को कन्विंसिंग तरीके से साबित कर सकते हैं कि हाँ, मैं इंजीनियर था, उसके बाद मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो पहला सवाल कि आपने इंजीनियरिंग को या मेडिकल को या किसी दूसरी फील्ड को चुना ही क्यों था,
अब इसका उत्तर देने के दो तरीके हैं। अगर आप अपनी उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आपका तरीका अलग होगा, और यदि आप उस फील्ड में एक कमजोर विद्यार्थी रहे, जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले तो लिया लेकिन उसके बाद आप इंजीनियरिंग को ठीक से परस्यू कर नहीं पाए, या तो रुचि नहीं बनी, या जितना आसान आपने सोचा था उतना आसान वो था नहीं, आप वहाँ नहीं स्ट्रेस मैनेज कर सके, और कुल मिला कि आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी नहीं है, और यदि इंटरव्यू बोर्ड ने सवाल पूछ लिए 8-10 थोड़े मुश्किल किस्म के, तो आपको लगता है कि उससे आपकी पोल खुल सकती है, या लग सकता है कि आपका जो एक अच्छी इमेज बनी हुई है वो सारी इमेज धुल सकती है। इन दोनों स्थितियों के आंसर्स अलग अलग होंगे। पहले अपने आप को टटोल लीजिए कि आप इनमें से कौन से वर्ग में आते हैं। देखिए, अगर आप कमज़ोर हैं उस फील्ड में जिस फील्ड को आपने चुना था, तो आपके पास 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आप ये कहेंगे कि सर, हमारे देश में 12वीं क्लास के समय आमतौर पर किसी भी बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसे बड़े होकर क्या करना है, तो सोशल परसेप्शंस काम करते हैं, सामाजिक छवियां काम करती हैं। और ये सोशल परसेप्शंस कैसे बनते हैं? ये बनते हैं पीयर ग्रुप से कि हमारे आसपास के बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बनते हैं हमारे पेरेंट्स से, ये बनते हैं हमारे स्कूल के टीचर से, और ये बनते हैं हमारे आसपास के बाकी माहौल से, जैसे अखबार में क्या छपता है, टीवी में क्या आता है। और मैं जिस इलाके से हूँ उस इलाके में एक जनरल परसेप्शन ये था कि जो भी बच्चा पढ़ने में अच्छा है उस अच्छे बच्चे को तो इंजीनियरिंग या मेडिसिन में जाना ही चाहिए। ये परसेप्शन मेरा भी बन गया था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था या पढ़ती थी वहाँ टीचर्स भी अक्सर ये कहते थे कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ज़रूर ये बीटेक करेगा, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ज़रूर इसका MBBS में हो जाएगा। तो ये परसेप्शंस हमारे पेरेंट्स के थे, स्कूल में थे, हर जगह थे। फिर मैंने देखा कि जब मैं 11वीं क्लास में था तो मेरे आसपास जितने भी अच्छे बच्चे थे वो सब इंजीनियरिंग पढ़ने लगे या मेडिकल पढ़ने लगे, तो देखा देखी मैं भी पढ़ने लगा, मुझे भी ठीक लगने लगा। और क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था तो मैंने एंट्रेंस उसका क्वालिफाई कर लिया, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया तो मैं पढ़ने चला गया, और वहाँ जाके मैंने फील किया कि शायद ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि अगर आपकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हम्बल है, कमज़ोर पृष्ठभूमि है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे घर में और मेरे साथ कुछ इनसिक्योरिटीज़ जुड़ी हुई थी, असुरक्षाएँ जुड़ी हुई थी, और उन असुरक्षाओं से लड़ते हुए ही मुझे अपना करियर बनाना था। जैसे आप ये कह सकते हैं कि सर, मेरा मन तो शुरू से IAS बनने का था, लेकिन मैंने सुना था कि ह्यूमैनिटीज़ से तैयारी करना अच्छा भी होता है और मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहता भी था, लेकिन मेरे मन में ये भय था, मेरे पेरेंट्स के मन में भी ये भय था कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँ और सिविल सेवाओं की तैयारी करूँ और 1% ये मान लूँ कि पूरी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, तो मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था, सेकंड ऑप्शन नहीं था। और यदि मैं इंजीनियरिंग कर लेता, मेडिसिन पढ़ लेता, तो मेरे पास हमेशा ये विकल्प रहता कि अगर मैं IAS नहीं भी बन पाऊंगा तो एक सुरक्षित करियर विकल्प तो मेरे पास है ही, और जिस बैकग्राउंड से मेरे पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि पहले सुरक्षा हासिल हो और सुरक्षा हासिल होने के बाद मैं अपने सपने पूरी करने का प्रयास करूँ। तो अपने पेरेंट्स की आंखों में वो भय मैंने देखा था, इसलिए मैंने तय किया कि ठीक है, मैं पहले बीटेक कर लेता हूँ या MBBS कर लेता हूँ और या CA कर लेता हूँ। और मेरी और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे ही मैं ये कर लूँगा उसके बाद वो मुझे रोकेंगे नहीं सिविल सेवाओं की तैयारी करने से, और हाँ, यदि मैं सिविल सेवक नहीं बन पाया तो मैं अपनी इस पेरेंट फील्ड में लौट जाऊँगा। ये सहमति थी, इस सहमति के बेस पर हमने काम किया और मैं इसी सहमति पर आज तक चल भी रहा हूँ। मैंने जो 1-2 साल नौकरी की है, नौकरी भी इसलिए की है कि मुझे फील्ड का एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा मन हमेशा से स्पष्ट था कि मुझे जाना सिविल सेवाओं में ही है और मैं इसीलिए सिविल सेवाओं की तैयारी आज भी कर रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। और यदि आपने इन दोनों उत्तरों को दिया, इनमें से आप पर कौन सा उत्तर लागू होता है वो देख लीजिएगा। तीसरा उत्तर इसका उनके लिए है जो उस विषय में एक्सपर्ट हैं, यानी अगर आपने बीटेक किया और आप बीटेक बहुत शानदार तरीके से किया है, MBBS की और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बॉडी की, एनाटॉमी की, आप उस पर बात कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर, मेरे इस विकल्प को चुनने का सबसे बड़ा कारण था कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था मेरा उस विषय में बहुत गहरा इंटरेस्ट था, मेरी उस विषय में बहुत गहरी रुचि थी और मैंने बहुत रुचि के साथ उस विषय का अध्ययन किया है, और मैं संतुष्ट हूँ
कि मैंने उस विषय के साथ न्याय किया है, एक कारण ये था। लेकिन हाँ, यदि आप उस विषय के एक्सपर्ट हैं तो आप साथ में इस रुचि के अलावा इन दो कारणों को भी जोड़ सकते हैं कि रुचि तो थी ही, साथ में उस समय का सोशल परसेप्शन और साथ में मेरे परिवार की असुरक्षाएं, इन सब कारणों ने मिलकर मुझे कन्विंस किया कि पहले मैं बीटेक कर लूं, बीई कर लूं, एमबीए कर लूं, या सीए कर लूं, या सीएस कर लूं, या एमबीपी जो मेडिकल साइंस है, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन चुन लूं। इसलिए मैंने इस विषय को चुना था और मैं अपने उस फैसले को लेकर अभी भी संतुष्ट हूं कि मैंने उस समय के हिसाब से फैसला ठीक किया था। ये पहला उत्तर इस सवाल का कि आपने उस फील्ड को क्यों चुना था, आप छोड़ भी सकते थे। अब दूसरा सवाल जो कि द क्वेश्चन है, जो कि मुख्य सवाल है, वो ये कि अगर आपने चुना ही था तो अब उस फील्ड को छोड़कर आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। इसका उत्तर भी दो तरह से दिया जा सकता है। पहला ये कि उस फील्ड को क्यों छोड़ रहे हैं, वाई आर यू लीविंग दैट फील्ड, अब उस फील्ड को छोड़ने की क्या वजह है। और दूसरा, अगर उसको छोड़ ही रहे हैं तो वाई टू चूज सिविल सर्विसेज, तो सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि आप उसे चुन रहे हैं, आप उसे छोड़ के कुछ और भी चुन सकते थे, प्राइवेट सेक्टर जा सकते थे, कुछ और काम कर लेते, यहीं क्यों आ रहे हैं। आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जो दोनों के दोनों पैरामीटर्स पे एकदम जस्टिफाई करे, कोहरेंस दोनों पक्षों में होनी चाहिए कि क्यों छोड़ रहे हैं और इसे क्यों चुन रहे हैं, उसके बीच में एक लिंक समझ में आना चाहिए। क्यों छोड़ रहे हैं, अगर आप उसमें कमज़ोर विद्यार्थी रहे हैं तो आपका उत्तर अलग होगा, और यदि आप उसमें एक्सपर्ट विद्यार्थी रहे हैं तो आपका उत्तर अलग होगा। मैं बार बार जो कमज़ोर विद्यार्थी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप उसमें कमज़ोर हैं तो ज़्यादा प्रश्नों को इन्वाइट मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ आपने प्रश्नों को इन्वाइट किया वो आपसे कई सवाल पूछेंगे, फिर उन सवालों का जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले से एक सफाई दे देना जिसकी बिना पर वो आपसे सवाल पूछने से बचें, ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो आप कहेंगे कि सर, उस फील्ड को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई करके एडमिशन ले तो लिया था, किंतु जब मैं पढ़ने लगा तो मैंने पाया कि मेरा बेसिक इंटरेस्ट उस फील्ड में है नहीं, और क्योंकि मेरा कोर इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है तो धीरे धीरे मैं एलियनेशन महसूस करने लगा, थोड़ा अलगाव, अजनबीपन महसूस करने लगा, मुझे बहुत मज़ा नहीं आता था। अब क्योंकि एडमिशन ले लिया था, डिग्री पूरी करनी थी, मैं पढ़ रहा था और मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे अंक भी ले आऊँ, मैंने कोशिश की कि मेरा कंसेप्ट ठीक से बन भी जाए, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं उस फील्ड में बहुत सहज नहीं था, और मैं कॉलेज में पढ़ने के अलावा बाकी समय में ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरी ज़्यादा रुचि उनमें हो गई थी और मैं सिविल सेवाओं के लिए तैयारी भी करना चाह रहा था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस फील्ड में बहुत कन्विंस नहीं था, बहुत खुश नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं डॉक्टर, जैसे कि मेरे पास डिग्री है, अगर मैं सच में डॉक्टर के रूप में काम करूँगा तो शायद मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर खुद को साबित ना कर सकूं, क्योंकि मुझे उस फील्ड में बहुत डूबकर काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी अरुचि मेरे समाज के लिए नुकसान की वजह बने, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं उस फील्ड को ना चुनूं। लेकिन अगर आप उस फील्ड में अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर, मैं दरअसल छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये फील करता हूँ कि उस फील्ड में काम करने में एक चीज़ है जिसको मोनोटोनी कहते हैं, मोनोटोनी है, मोनोटोनस है, बहुत ज़्यादा एक ही तरह के काम करने का ऑप्शन मिल पाता है, और मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा अपने काम का विस्तार करूं, अपने पंख फैलाऊं। मेरे पास एक ही जीवन है, तो जब एक ही जीवन है तो उसी जीवन में हमें कुछ नए प्रयोग भी करने हैं, उसी जीवन में कुछ नई संभावनाएँ भी टटोलनी हैं। तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र का एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नई संभावना है तो उसको भी टटोल लूँ, लेकिन मेरी इच्छा अपने विषय को, अपने क्षेत्र को छोड़ने की नहीं है, उस विषय का विद्यार्थी बने रहते हुए, उस विषय की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए कुछ और नया और बड़ा करने की इच्छा है। तो मैं इसे एक्सपेंशन के तौर पर देखता हूँ, न कि छोड़ने के रूप में देखता हूँ। और जब मुझसे कोई कहता है कि सिविल सेवा क्यों, तो सिविल सेवा में मुझे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जहाँ तक मोनोटोनी का सवाल है, तो सिविल सेवा में सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे डाइवर्सिटी का ऑप्शन मिलता है, और मैं एक ही काम जीवन भर करूँगा ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सारी वैरायटी मिलती है। मैं अगर मेडिकल साइंस में हूँ तो हो सकता है कि मैं सुपर स्पेशलाइजेशन में हार्ट का डॉक्टर बन जाऊँ,
लेकिन यदि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन गया तो मुझे ज़िंदगी भर केवल और केवल दिल के ऑपरेशन ही करने होंगे या उसी से संबंधित मामले देखने होंगे। ये छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रकृति के मुताबिक मैं एक ही काम लगातार करके उतना अच्छा महसूस नहीं करता जितना डाइवर्सिफाइड काम करने में महसूस करता हूँ। इससे डाइवर्सिटी एक पहली वजह है कि मैं सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहता हूँ। सिविल सेवाओं में आने की दूसरी वजह है डिसीजन मेकिंग की क्षमता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समाज की बेहतरी में कुछ बड़ा योगदान करूँ और मैंने महसूस किया है कि बड़ा योगदान करना हो तो सिविल सेवाओं से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि यदि मैं इंजीनियर हूँ और यदि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू चला जाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उससे थोड़े से ऊंचे स्तर पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के लेवल पे होता है। अगर मैं एक्सीन के लेवल से शुरू करूँ कुछ समय में SE बन जाऊँगा, फिर चीफ इंजीनियर बनूँगा। चीफ इंजीनियर होने के बाद अगर मेरी सर्विस ठीक रही तो मैं इंजीनियर इन चीफ बन जाऊँगा या किसी अच्छे बोर्ड का इंजीनियर मेंबर बन जाऊँगा। ये मेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशन उसमें हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर के लेवल्स इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मुझे नहीं मिलेंगे। उस लेवल पर कोई सिविल सर्वेंट होगा, कोई IAS होगा, कोई IPS हो सकता है और मुझे अंततः उसको सलाह देने के रूप में ही काम करना होगा, ना कि मुझे फैसले खुद लेने होंगे। इसी तरह से अगर मैं मेडिकल साइंस के थ्रू जाता हूँ और सरकारी नौकरी ज्वाइन करता हूँ तो मैं जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से काम शुरू करूँगा, करते 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 बहुत सीनियर लेवल पर चीफ मेडिकल ऑफिसर किसी हॉस्पिटल का और बड़े स्तर पर किसी और बड़े हॉस्पिटल का CMO बन जाऊँगा। लेकिन CMO से ऊपर के स्तर पर जाना उस फील्ड में रहते हुए प्रायः असंभव हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय मैं जिस भी राज्य में रहूँगा उस राज्य का जो हेल्थ सेक्रेटरी होगा वो सभी CMOs के ऊपर ज़्यादा प्रभुत्व रखेगा, उसके पास शक्ति ज़्यादा होगी। मैं डॉक्टर होकर मेडिकल पॉलिसीज़ में बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाऊँगा, जो पॉलिसीज़ बन के आएंगी मैं उसी में काम करूँगा। लेकिन जो हेल्थ सेक्रेटरी होगा, बेशक वो डॉक्टर रहा हो बेशक ना रहा हो, वो ये तय करेगा कि हमारे राज्य में या हमारे देश में हेल्थ पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डॉक्टर्स की भूमिकाएँ क्या होनी चाहिए, बाकी स्टाफ की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि मैं योग्य हूँ तो मैं क्यों ना अपनी ही फील्ड में डिसीजन मेकिंग के हाईएस्ट लेवल तक, सर्वोच्च स्तर तक जाऊँ। और इसलिए क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर बनने के बाद चाहूँगा कि IAS बन के, अगर सरकार मुझे ऐसा मौका देती है, तो मैं हेल्थ के क्षेत्र में ही ज़्यादा काम करूँ। जब मैं कुछ समय तक किसी ज़िले का कलेक्टर रह के देखूँगा तो मैं सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा, लेकिन हेल्थ मुझे लगता है कि भारत की बड़ी समस्या है, उस पर विशेष ध्यान दूंगा। और जब मैं कलेक्टरशिप से मुक्त हो जाऊँगा, सचिवालय में जाऊँगा, सेक्रेटेरिएट में जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री में अलग अलग प्रोफाइल्स मिलें ताकि मैं अपनी शिक्षा के साथ काम कर सकूं। जनरलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल यह देखा जा रहा है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें स्पेशलाइज्ड जब कोई ब्यूरोक्रेट पहुंचता है तो उसकी जानकारी का फ़ायदा पूरे देश को मिलता है, पूरे समाज को मिलता है। तो मैं उस तरह से अपनी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा बनाना चाहता हूँ। तो डाइवर्सिटी और डिसीजन मेकिंग के दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित करते हैं और मैं अपनी उस पढ़ाई लिखाई का काम यहाँ पर करना चाहूँगा। तीसरा सवाल वो इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो इतनी पढ़ाई की, इतना खर्चा हमारे देश की सरकार ने आपके ऊपर किया या राज्य की सरकार ने किया, उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा मिला उसके बदले। इसके उत्तर में भी आप दो बातें बताइए कि इसके दो फायदे होंगे, एक तो हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होंगे, एक हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर मैं सिविल सेवक बनता हूँ तो मेरी बैकग्राउंड वाली पढ़ाई के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसके मेरे पास दो पक्ष हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं IAS बनता हूँ, मान लीजिए इंजीनियरिंग करने के बाद, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं जब भी कलेक्टर बनूँगा तो मेरी ये जानकारी मेरे ज़िले में या मेरा जो भी जुरिसडिक्शन है उस ज्यूरिस्डिक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में प्राथमिक तौर पर सहायक होगी। जो व्यक्ति इतिहास पढ़ के आया है, जो व्यक्ति फिलॉसफी पढ़ के आया है, उसकी जानकारी भी किसी रूप में सहायक होगी, लेकिन एक सिविल सेवक के तौर पर जनता की सेवा करने के मामले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई या मेडिसिन की पढ़ाई किसी भी कीमत पर ह्यूमैनिटीज़ की तुलना में ज़्यादा सहायक हो सकती है यदि मैं अपने काम का समायोजन अपनी योग्यताओं के साथ कर सकूं। सरल सा उदाहरण है,
यदि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि उस ज़िले के विकास में कौन कौन सी मशीनें किस किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ तो मैं उस ज़िले की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में बड़ी भूमिका निभा सकता हूँ। यदि मैं डॉक्टर हूँ तो वहाँ के हेल्थ सीनेरियो को, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, उनको ठीक से चेक कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरी जानकारी होगी, इससे न केवल मेरे सुझाव बेहतर होंगे, न केवल मेरे निर्णय बेहतर होंगे, बल्कि उसकी वजह से निर्णय तो है ही, डिसीजन मेकिंग तो है ही, साथ में जो पब्लिक कॉन्टैक्ट है मेरा वो बेहतर होगा। अगर मैं जनता से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुनता हूँ, तो यदि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर को जो निर्देश दूंगा वो निर्देश भी अधपके किस्म के होंगे, उसमें गहराई नहीं होगी। पर यदि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे निर्देश ज़्यादा बेहतर किस्म के होंगे। ये फ़ायदा है, सीधे तौर पर फ़ायदा है। और जो दूसरा फ़ायदा है, डायरेक्ट बेनिफिट है, वो ये कि जब मैं अपने करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करके सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में मदद करूँ। जैसे कि डॉक्टर हूँ तो हेल्थ सेक्रेटरी बनने का प्रयास करूँ, या हेल्थ डिपार्टमेंट में ही जॉइंट सेक्रेटरी बनने का प्रयास करूँ, और वो मेरा जो स्पेशलाइजेशन रहा है पढ़ाई लिखाई में, उससे जुड़ते हुए काम में करूँ। इसका उदाहरण ये है कि अभी राजस्थान में एक IAS अधिकारी बहुत प्रसिद्ध हुए, डॉक्टर समित शर्मा। वो डॉक्टर हैं। अब क्योंकि वो डॉक्टर हैं, इसलिए वो समझ पाते हैं कि मेडिसिन की दुनिया में कौन कौन से जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो काम करते हैं। राजस्थान कैडर में रहते हुए उन्होंने जेनरिक मेडिसिन के पक्ष में एक मूवमेंट चलाया, और देखते ही देखते उन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री में, या स्पेशली मेडिसिन इंडस्ट्री में, जो बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही थी उन सबको कंट्रोल किया, जो जनता के हित में बहुत बुरी तरह से सामने आया, साबित हुआ। और अब हालत ये है कि समित शर्मा, डॉक्टर समित शर्मा के जो रिसर्च है, जो उनके नतीजे हैं, उनको बहुत सारे राज्यों की सरकारें फॉलो करना चाहती हैं, और वो एक सेलिब्रिटी अपने आप में है। जनता उनको भगवान की तरह देखती है क्योंकि वो डॉक्टर थे। अगर वो डॉक्टर ना होते तो शायद इस बात को न समझ पाते। दूसरी बात, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा टेम्परामेंट बनता है वो साइंटिफिक टेम्पर बनता है। अगर आप CA हैं तो आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़्यादा समझ में आता है। आप किसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कैसे कम की जा सकती है, उसके बेनिफिट्स कैसे लिए जा सकते हैं, कॉस्टिंग निकालते हुए कैसे डेप्रिसिएशन को भी ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के कई ऐसे फैक्ट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझ में आते हैं, जो उन व्यक्तियों को नहीं समझ में आएंगे जिनकी ऐसी बैकग्राउंड नहीं रही है। साइंटिफिक टेम्पर या इंजीनियरिंग का टेम्परामेंट जो एक है, वो भी एक कमाल की चीज़ है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, आप एक सिस्टमेटिक थिंकिंग के थ्रू उसका समाधान निकालेंगे। आप हाइपोथेसिस से शुरू करेंगे, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटेशन करना है वो करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और करते करते धीरे 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 सारे डाउट्स दूर करते हुए, जो स्केप्टिसिज्म कहते हैं, सारे डाउट्स को क्रिएट करना, उनका समाधान करना, और अंत में एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना, जिस कंक्लूजन के सहारे आप अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के चिंतन का तरीका इतना तार्किक होगा, इतना वैज्ञानिक होगा, वो निश्चित तौर पर किसी भी सिविल सेवा में, किसी भी डिपार्टमेंट में समस्याओं का समाधान ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। और समस्याओं का समाधान करने की ये जो अप्रोच है, साइंटिफिक मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, BSc में पूरे पढ़ाई के दौरान लगातार सिखाया जाता है, और धीरे धीरे वो हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। और जिसका सबकॉन्शियस माइंड साइंटिफिक है, आप मान के चलिए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर बेहतर होगी, उसकी समस्याओं के समाधान की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच बेहतर होगी। तो मुझे विश्वास है कि मुझे इनडायरेक्ट बेनिफिट ये मिला है। ये वैसा ही बेनिफिट है जैसे राहुल द्रविड़ इतने अच्छे क्रिकेटर बने तो इसके पीछे उनके इंजीनियर होने की भी कुछ ना कुछ भूमिका रही होगी, ये मान लेना चाहिए। और बात केवल राहुल द्रविड़ की नहीं है। अनिल कुंबले जैसा स्पिनर अगर इंजीनियर होने के बाद स्पिन बॉल कर सकता है, और उसकी बॉल स्पिन करने में हो सकता है कि उसको एरोडायनामिक्स की समझ थोड़ी ज़्यादा बेहतर रही हो सकता है, क्योंकि उसका माइंड साइंटिफिक है, और माइंड साइंटिफिक है तो इस बात की संभावना बनती है कि वो अपने साइंस की वैल्यूज़ को, साइंस की बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल करेगा। इसे राहुल द्रविड़ हों, आर अश्विन हों, या अनिल कुंबले हों, यदि इतने महान क्रिकेटर सारे के सारे इंजीनियर्स हैं,
तो इंजीनियरिंग को खारिज करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हो सकता है कि उसके बाद भी हम कुछ अच्छा काम कर लें। इसी तरह से आप देखेंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर थे और उसके बाद किसी और क्षेत्र में आ गए। जयदीप सहनी बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, चक दे इंडिया की कहानी उन्होंने लिखी है, इंजीनियर हैं। तो एक इंजीनियर के पास जो अप्रोच डेवलप हुई है, अगर वो उस अप्रोच का सही इस्तेमाल करेगा तो सही इस्तेमाल करके वो इनडायरेक्ट बेनिफिट लेते हुए किसी दूसरी फील्ड में भी अच्छा काम कर सकता है, और सिविल सेवाएं इसी तरह की फील्ड है। अंतिम बात है, वो ये कह सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं कि भाई आपको अगर हम आईएएस बना देते हैं तो इसके दो नुकसान हमें साफ साफ समझ में आते हैं, और वो दो नुकसान क्या हैं। पहला नुकसान ये है कि आपकी पढ़ाई पर भारत सरकार ने इतना ज़्यादा खर्चा किया तो उस खर्चे की व्याख्या कैसे होगी, और दूसरा ये कि आपने किसी और व्यक्ति की जॉब छीन ली, देश में पहले बेरोज़गारी है, क्यों आप किसी की जॉब छीनते हैं। ये दोनों सवाल बहुत सामान्य हैं, इन दोनों का उत्तर देना बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी मत डरिए, इनका उत्तर आराम से दीजिए। पहला सवाल है कि आप पर एक्सपेंडिचर हुआ, आप कहिए कि सर मैं ये मानता हूँ कि मेरी पढ़ाई पर ठीक ठाक खर्चा हुआ है, और सच बात यह है कि खर्चा ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी पढ़ाई पे हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पे भी खर्चा होता है, लेकिन अंतर है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस पे खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये बात सही है। आप कहिए कि मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कि मेरी पढ़ाई पर कितना खर्चा हुआ, ह्यूमैनिटीज़ पर कितना खर्चा हुआ, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि मेरी पढ़ाई पर खर्चा हुआ, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने समाज या अपने देश को उस खर्चे की वापसी करूं। यदि मैं विदेश जाकर कोई नौकरी करने लगता तो शायद मैं उस खर्चे की भरपाई न कर पाता, हालांकि संभावना है कि मैं तब भी करता। अगर मैं विदेश में अच्छे पद पर काम करता, मुझे बहुत सारा धन मिलता, उस धन का बड़ा हिस्सा मैं अगर यहाँ पर भेजता अपने घर पर, और यहाँ मेरे घर के लोग उस धन से पूंजी बनाकर कोई इन्वेस्टमेंट करते, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसके बाद भी उस खर्चे को समाज को लौटा रहा हूँ। लेकिन जो विदेश में जाके बसेगा उसके मामले में फिर भी हम सोच सकते हैं कि उसने खर्चे का भुगतान नहीं किया। मैं तो विदेश में जा ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी उसी पढ़ाई को एक्सपेंड करके मैं एक डॉक्टर बनने के बजाय हेल्थ पॉलिसी बनाने वालों में शामिल होना चाहता हूँ, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि यदि एक डॉक्टर के तौर पर मैं हेल्थ पॉलिसी बनाऊँगा या इंजीनियर बनने के बाद मैं इंजीनियरिंग की नीतियाँ बनाऊँगा, तो जितना खर्चा भारत सरकार ने मुझ पर किया है उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा मैं अपनी अच्छी एडवाइसेस, अच्छी पॉलिसी मेकिंग के तौर पर लौटा सकता हूँ। इसलिए मैं उस एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई कर दूंगा, ऐसा विश्वास मुझे है। ये ठीक वैसे ही है कि डॉक्टर समित शर्मा अगर सिर्फ डॉक्टर बन के रह जाते तो शायद वो भारतीय समाज को उतना बड़ा योगदान न दे पाते जो एक डॉक्टर दे सकता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है वो एक नहीं बल्कि सैकड़ों डॉक्टर्स के बराबर है। तो ये स्थिति मेरी भी हो सकती है अगर मैं सिविल सेवा में आता हूँ, कि मैं अपने इंजीनियरिंग की मदद से कुछ ऐसा योगदान दूँ जिसकी कीमत उस खर्चे से कहीं ज़्यादा है जो खर्चा मुझ पर भारत सरकार ने या राज्य की सरकार ने किया है। रही दूसरी बात कि आपने किसी की जॉब पहले ही खा ली, तो सर इसका उत्तर ये है कि मैं अगर पहले एक्स जॉब में था और अब मैं वाई जॉब में आ रहा हूँ, तो मैं एक्स जॉब छोड़ के ही आ रहा हूँ, मैं दोनों जॉब में एक साथ नहीं रह सकता हूँ। तो अगर मैं एक नई जॉब ले रहा हूँ तो मैं एक जॉब छोड़ भी रहा हूँ, वो जॉब किसी न किसी को मिलने ही वाली है। एक व्यक्ति एक समय पर एक ही नौकरी कर सकता है, इसलिए कोई किसी की नौकरी खा जाएगा, कोई किसी को बेरोजगार कर देगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जिस साल मैंने मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया उस साल शायद किसी और का एडमिशन हो जाता, लेकिन अगर मैं डॉक्टर नहीं बन रहा हूँ तो एक सीट क्रिएट हो गई होगी, और वो क्रिएट होगी तो इस साल किसी और का एडमिशन हो ही जाएगा। और सर हम सब के पास एक ही जीवन है, हम सब लोकतंत्र में रहते हैं, हम सबको अधिकार है अपनी क्षमताओं के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का। हमारे मूल कर्तव्यों में ये कर्तव्य है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, और यदि मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए इस जीवन में कुछ और बेहतर करना चाहता हूँ तो मेरा निवेदन है कि इसे मेरा अपराध ना माना जाए, मेरी गलती ना माना जाए, बल्कि मैं अपने अधिकार को लेकर सजग हूँ, अपने कर्तव्यों को लेकर सजग हूँ, इस रूप में इसको देखा जाए। तो मैं किसी भी व्यक्ति का रोज़गार नहीं छीनना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने व्यक्तित्व के अनुसार सबसे अच्छे रोज़गार तक पहुँचूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई इसमें इच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इतने सारे उत्तर देने के बाद इस मुद्दे पर कि आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसमें आपको परेशान होना पड़े। फिर भी कोई सवाल आपको सूझे इस बारे में तो आप
कमेंट बॉक्स में वो सब सवाल लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि उस पर कोई सप्लीमेंट्री वीडियो या टेक्स्ट बेस्ड आंसर्स आपको देके आपके समस्या का समाधान करें। शुक्रिया। नए प्रश्न के साथ बहुत जल्दी फिर उपस्थित होंगे, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।